डबरा विधानसभा में सुरेश राजे के समर्थन में सभा करते हुए कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद गरमाई सियासत के बीच उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे मंच पर भी आइटम है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, बल्कि प्रदेश सरकार की पोल खोलता हूं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। रविवार को कमलनाथ के विवादित बयान के बाद से सूबे की सियासत का मिजाज बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को पुनासा में अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। पीसीसी चीफ ने कहा कि डबरा में एक सभा में मैंने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, लेकिन मेरे मंच पर भी आइटम है, जैसे आइटम नंबर 1 अजय सिंह और आइटम नंबर 2 राज नारायण है। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद अब उसे कुछ कह दूं मैं, हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता हूं, आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो बहाना ढूंढ रहे हैं और अनशन पर बैठ गए हैं। बीजेपी कहती है कि कमलनाथ कोका कोला पीते हैं, तो क्या मेरे कोका कोला नहीं पीने से किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे और नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूँ कोको कोला, अगर कोको कोला बंद पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के दिन, ये इनका हाल है, पहचान जाइएगा असली। कुल मिलाकर मंत्री इमरती देवी पर किए गए अपनी टिप्पणी से बैकफुट पर आए कमलनाथ अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर आक्रामक है। ऐसे में चुनावी मौसम में नाथ का ये बयान उन्हें कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खंडवा।